हाय फ्रेंड्स, जी डीएन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक सैमसंग का एक CR3TB आया है और इसको लाइन देने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसको लाइन देने के बाद टिक टिक का एक साउंड आ रहा है, ठीक है। और इसका जो स्क्रीन है, स्क्रीन भी नहीं आ रही है और इसका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको लाइन देने के बाद आपको इसका जो प्रॉब्लम है, देखिए मैंने सीरीज बोर्ड पे इसको लाइन दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है, देखिए टिक टिक का साउंड हो रही है और देखिए जो सीरीज लैंप है, देखिए सीरीज लैंप भी ब्लिंक कर रही है, देखिए और एक टिक 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 का एक साउंड हो रही है। तो इसको खोल के आप लोगों को दिखाते हैं इसका एक्चुअली फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो आइए इसको खोल के आप लोगों को इसका जो PCB है, PCB का वोल्टेज चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं इसका एक्चुअली फॉल्ट किया हुआ है। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स मैंने सर्किट को बाहर निकल लिया, वो भी इसको लाइन दे के सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस स्टिकर जो सप्लाई वोल्टेज है 125 वोल्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं है, देखिए। तो इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ओपन करके देखते हैं वोल्टेज आती है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मैंने ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैंने रेजिस्टेंस को ओपन कर लिया, वो भी लाइन दे के देखते हैं इसका जो इंडिकेटर है वो चालू होता है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका इंडिकेटर चालू हो गया, ठीक है। अभी वोल्टेज को देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका वोल्टेज भी आ गया 165 वोल्ट के करीब, मतलब एसटी पे लोड नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा वोल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग हो सकती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे दो PF है, वो PF भी शॉर्ट हो सकता है या ST भी शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैंने वो भी चेक करके देखते हैं कौन सा कंपोनेंट शॉर्टिंग है। फ्रेंड्स देखिए, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है शॉर्टिंग है, देखिए कलेक्टर टू एमिटर भी शॉर्टिंग और कलेक्टर टू बेस भी शॉर्टिंग और देखिए बेस टू एमिटर भी शॉर्टिंग, ठीक है। तो इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ट्रांजिस्टर को ओपन कर लिया, वो भी आप लोगों को फिर से इसको चेक करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेस टू कलेक्टर देखिए शॉर्टिंग है और बेस टू एमिटर देखिए वो भी थोड़ा शॉर्टिंग बता रही है और इसका नंबर देखिए 1803, ठीक है। तो इसके बदले में मैं और एक नया ट्रांजिस्टर लगाएंगे और वो क्यों खराब हुआ है देखिए, इसके बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो
फ्रेंड्स मैंने देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर था 1600 वोल्ट का, वो भी मैंने चेक किया है, वो सही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है, देखिए ये वाला, वो भी सही है, देखिए 400 वोल्ट का। और यहाँ पे जो 630 वोल्ट का कैपेसिटर है वो भी सही है, ठीक है। तो किस लिए खराब हुआ है आउटपुट ट्रांजिस्टर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है, तो फिर से मैं एक नया ट्रांजिस्टर ला करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको ला करके आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, देखिए TT2206, देखिए फ्रेंड्स ये वाला आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसको लगा लिया, अभी शॉर्ट करता हूँ। फ्रेंड्स मैंने सोल्डिंग कर लिया, वो भी मैंने जो रेजिस्टेंस ओपन किया था, देखिए यहाँ पे 125 वोल्ट का जो रेजिस्टेंस था, इसको भी सोल्डिंग कर लेता हूँ। इसके बाद लाइन दे के इसका बोल्ट कितना आ रही है या स्क्रीन प्रॉपर आ रही है या नहीं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने ट्रांजिस्टर को लगा लिया, वो भी इसको लाइन दे के इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को आप लोगों को दिखाते हैं, और इसका स्क्रीन आया है या नहीं वो भी आप लोग देख सकते हो। देखिए मैंने बोर्ड पे इसको लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए 227 वोल्ट आ गया, और देखिए फ्रेंड्स देखिए डिस्टिक देखिए 280 वोल्ट भी आ गया, और स्क्रीन को देखता हूँ, देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन भी आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, और आने वाला दिन और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ।